मैं तो वैसे तो राजस्थान से हूँ, हाँ, पर मेरे को बिहार का लिट्टी चोखा बहुत ही पसंद है। यहाँ के कैंटीन में बा अब पूरा दिल्ली के मिली लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं, हाँ। और बहुत बढ़िया लिट्टी है, स्वादिष्ट है लिट्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिहारी व्यंजन के शौकीन हैं तो आप चाणक्यपुरी स्थित बिहार भवन में आकर के बिहारी व्यंजन जैसे कि लिट्टी चोखा और नॉन वेज में सरसों वाली मछली का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। ये बिहार भवन है, चाणक्यपुरी में स्थित है ये, और यहाँ पे लिट्टी चोखा और नॉन वेज में सरसों वाली मछली आपको मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं तो जोमेटो से आप मंगवा सकते हैं। और पहले आपको अंदर लेकर चलते हैं यहाँ के कैंटीन में कि यहाँ के कैंटीन में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोग यहाँ पे आते हैं और कैसे लिट्टी चोखा का आनंद लेते हैं, मछली भात कैसे यहाँ पे लोग खाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। देखिए बिहार भवन का एक कैंटीन है, यहाँ पे लोग जो बिहार के रहने वाले दिल्ली में रहते हैं ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए कि यहाँ लिट्टी चोखा खा रहे हैं लोग। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार। बिहार भवन में लिट्टी चोखा खाने आए हुए हैं निश्चित रूप से। देखिए आज हमको पता चला जी, आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प था उनका और जो सपना था कि हर देश के हर भारतीयों की थाली में एक बिहारी व्यंजन हो, आज उस सपना को मूर्त रूप और संकल्प को मूर्त रूप देने का काम किया है बिहार भवन के सभी कर्मचारी पदाधिकारी और यहाँ के कैंटीन के जितने मैनेजर हैं, स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, सबों को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज ऐसा लगा आपको यहाँ का? नहीं 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 नहीं, यहाँ का तो सब कुछ लाजवाब है, शानदार है। अच्छा। मुख्य बातें जो हैं कि जो पूरे दिल्ली में लाखों की संख्या में बिहारी रहते हैं, जो कार्यालय में काम करते हैं, जो अपने घर में रहते हैं, उन लोग को बिहारी भोजन नहीं नसीब होता था। अच्छा। और आज हमें पता चला कि जोमेटो ऐप जो है उससे पूरे दिल्ली में बिहार भवन का, हाँ, आप ऑनलाइन घर बैठे कार्यालय में बैठे हुए मंगवा सकते हैं। और देख ली रहुआ कि यहाँ के कैंटीन में बा अब पूरा दिल्ली के मिली। अच्छा। जो भोजपुरिया धमनी के भोजपुरिया धरती बा, हाँ। जो भोजपुरिया थाली बा, हाँ। यहाँ भोजपुरियो थाली के व्यवस्था बा, हाँ। और हमनी के जो बिहार में वो पीस के जो बनी मछली वो सरसों वाली मछली जो मिले वो मिले लाया यहाँ। और देखा रहुआ लिट्टी चोखा भी, देखा कितना बड़ा बड़ा लिट्टी बा, चोखा बा और चटनी बा। तो ये हम धन्यवाद देता नहीं कि हमारा लगे बड़ी गदगद हो गई, हाँ, पूरा प्रसन्न भोजन पर लिट्टी चोखा खाने का मन गदगद हो गया। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो सर? मैं तो वैसे तो राजस्थान से हूँ, हाँ। पर मेरे को बिहार का लिट्टी चोखा बहुत ही पसंद है, इसीलिए राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार का लिट्टी चोखा, हाँ, मैं खाता रहता हूँ। मैं बिहार जाके बहुत बार मैंने खाया है, बहुत पसंद आता है। पसंद आती है आप? हाँ, लिट्टी चोखा मेरी फेवरेट, मतलब मन खुश हो गया, मन खुश होके। और जोमेटो ने जो ये शुरुआत करी है ऑनलाइन वाली, इससे तो और ज्यादा बिहारियों को, मतलब उनके अपने व्यंजन में दिल्ली में रहते हैं, हाँ। उनके लिए बहुत फायदा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना जिला के बीटा सिंह निवासी हैं। हम दो दिन पहले दिल्ली आए थे, हाँ। हमको जैसे ही मालूम चला, हाँ। कि बिहार भवन में बिहारियों के लिए बहुत अच्छा खाना का व्यवस्था किया गया, खास करके बिहार का प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा, हाँ। जैसे हमको मालूम चला, हम बिहार भवन आए और लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं, हाँ। और बहुत बढ़िया लिट्टी है, स्वादिष्ट है लिट्टी है। अच्छा, काफ़ी स्वादिष्ट लिट्टी है। चलिए तो और भी कुछ मेनू के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ रिसेप्शन पे। यहाँ पे देखिए कि भाई साहब बैठे हुए हैं, आप बिहार भवन में हैं, ये बताइए कि लिट्टी का रेट क्या है? लिट्टी का रेट सर 95 का, एक्चुअली यहाँ डाइनिंग में रहते हैं, जोमेटो में हमारे 125 का है। अच्छा, तीन पीस 95 में, जी जी सर। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे बिहारी व्यंजन? बिहारी व्यंजन में हमारा मटन है और सरसों वाली मछली और आपका चिकन, जो अपना चिकन मसाला बनता है जो बिहार में कड़ा मसाला में, वो है। और बाकी लिट्टी चोखा मिलता है और बाकी हम लोग भुजिया बनाते हैं, आलू भुजिया, परवल भुजिया, जो भी बिहार के लोग चाहते हैं वो सब बनाते हैं सर। यहाँ मतलब टाइमिंग क्या है कुछ है? टाइमिंग एक्चुअली सर हम लोग 12 बजे का है जोमेटो का टाइमिंग आपका, और रात को 9:30 तक का टाइमिंग है। रात के 9:30 जी जी लोग आते हैं,
हाँ सर, अभी तो आ रहे हैं, जोमेटो पे भी ऑर्डर आ रहा है काफ़ी। जो दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं या दूसरे प्रदेश के लोग भी रहने वाले आते हैं? नहीं नहीं सर, दूसरे प्रदेश के भी आते हैं कोई कोई, और वो लिट्टी चोखा के बर्फ से आते हैं कि वो बोलते हैं कि क्या होता है गोल गोल साट के, वो क्या बाहर से आके बोलते हैं गोल गोल जो होता है उसका। हाँ हाँ, चलिए देखिए कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, देखिए कि लोग यहाँ पे कैंटीन में खा भी रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली जैसे शहर में जो बिहार के लोग रहते हैं उन्हें अपने घर के अपने यहाँ के खाना बहुत कम मिलता है। इस तरह का कदम से लोगों को बेहतर खाना मिलेगा और अपने घर के व्यंजन को वो लुत्फ़ उठाएँगे दिल्ली में भी। दिल्ली से सौरभ राज लाइव स्ट्रीम।